जी आपका अरबी ग्रामर का है कोर्स मेरे साथ, और इसमें इल्म नहव और इल्म सर्फ जो ग्रामर के दो पोर्शंस हैं वो दोनों इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। और इसमें तरीका ये रहेगा कि जो शुरू के 8 हफ्ते हैं मिड तक हम इल्म नहव पढ़ेंगे, और उसके बाद इल्म सर्फ पढ़ेंगे जो मिड के बाद लास्ट है। आउटलाइन में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा आज आपसे। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि ये जो दो पोर्शन हैं इसके ग्रामर के, सर्फ और नहव, इसमें हम बात करेंगे कि इन दोनों से मुराद क्या है। बहरहाल पहले हम जो नहव का कंटेंट है वो करेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद आगे चल के फिर हम सर्फ वाला कंटेंट करेंगे बिट के बाद। बाकी जो टेक्स्ट बुक है वो आपसे मैं शेयर करता हूँ, वो LMS पे भी शेयर कर दी जाएगी। बेसिकली हम जो इस वक्त स्क्रीन पे आपके सामने बुक खुली हुई है इब्तदाई कवायदुन्नहव के नाम से, इसका जो कंटेंट है टॉपिक्स हैं उन्हीं को हम कवर करेंगे। लेकिन इसमें जैसे तरतीब जो है वो थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती है, वो मैं आउटलाइन में इंशाल्लाह फाइनल करके शेयर कर दूंगा। लेकिन जो कंटेंट्स हमने करने हैं कवर वो वही इस वक्त आपके सामने है। अब नमाज का भी वक्त है, और कुल हमारे साथ कितने लोग हैं अभी? 21 लोग नजर आ रहे हैं मुझे। अभी आपका एक सेशन हुआ है साथ सबके साथ ना, जिसमें तारुफ वगैरह तो हो गया ना कोर्स का? अच्छा, बस सिर्फ मैं चारों का थोड़ा सा मुझे जरा तारुफ हो जाए कि आप लोगों का प्रायर नॉलेज क्या है अरेबिक के बारे में। तो वो लोग जो बिल्कुल पहली दफ़ा अरेबी पढ़ रहे हैं, मतलब इससे पहले कभी भी नहीं पढ़ी, कोई भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया या खुद से भी नहीं पढ़ रखी, और स्पेसिफिकली यानी ग्रामर की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो हैंड रेज कर लें अपना जो बिल्कुल पहली दफ़ा पढ़ रहे। अच्छा, बस 2 लोग हैं, 3। हाँ, मतलब बाकी जो लोग हैं वो ज़्यादातर पहले भी पढ़ चुके हैं। चलें जी, बेहतर है। अच्छा, बस यानी कम लोग हैं जो पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, अक्सर लोगों को कुछ ना कुछ पहले यानी आइडिया है या पढ़ रखा है। तो इसमें बस अब दोनों तरह से देखना है, एक तो जो लोग पढ़ चुके हैं पहले उन्हें जाहिर बात है शुरू में पेस ज़रा कम लगेगा, या कई चीज़ें उन्हें लगेगा कि रिपीट हो रही हैं जो ऑलरेडी वो जानते हैं। तो एक तो उन्हें उस पर सब्र भी करना होगा, और दूसरा ये है कि वो अपने फेलोज की मदद करें, जो लोग पहली दफ़ा सीख रहे हैं ना उनको जैसे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो उन्हें भी यानी सपोर्ट दें उस पर। और दूसरा ये भी है कि समटाइम्स ये होता है कि कुछ लोग जो पहले से जानते होते हैं तो उनके जहनों में कई सवाल होते हैं पहले ही, और हम जाहिर बात है यहाँ पढ़ेंगे तो चीज़ों को एक तरतीब से पढ़ेंगे, और इंफॉर्मेशन भी उसी तरह थोड़ी थोड़ी करके दी जाएगी। उसमें ये होता है अक्सर कि जो लोग पहले से जानते होते हैं उनके जैसे नेचुरली एक मिजाज में जल्दी होती है, या वो चाहते हैं कि जो उनके सवालात इतने अरसे से उनके जहन में वो फोरी एड्रेस किया जाए। बस इसका ख्याल रखना आपने कि जो चीज़ हमने पढ़ ना रखी हो इस कोर्स में, अब तक डिस्कस ना की हो या आगे जाके पढ़नी हो, उसको प्लीज़ यानी कोशिश कीजिएगा कि ऐसी चीज़ों को डिस्कस ना कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि तो उससे जो लोग पहली दफ़ा पढ़ रहे होते हैं वो परेशान होते हैं। फिर भी अगर किसी का कुछ सवाल ऐसा है, जैसे आप क्लास में टॉपिक पढ़ रहे हैं और उससे कोई और आपके जहन में कोई चीज़ ट्रिगर की है और आप वो पूछना चाहते हैं, तो आप पर्सनल में मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ मैं चाहूँगा कि हम क्लास के दौरान या अपने ऑफिशियल ग्रुप में डिस्कस ना करें जो चीज़ हमने पढ़ ना रखी हो, आप समझ रहे हैं ना, ताकि सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ही पेज पे हों। ये ना हो कि हम जो चीज़ें आगे जाके पढ़नी है वो जाहिर बात है उनका जवाब आपको मिल ही जाना है आगे जाके, ठीक है जी? ओके सर, चलिए बेहतर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम शुरू करते हैं। ये कोर्स स्पेसिफिकली चूंकि ग्रामर का है, इसमें हम जाहिर बात है बाकी लैंग्वेज स्किल्स जो हैं उन पे फोकस नहीं करेंगे, हम जस्ट इसको ग्रामर को पढ़ रहे हैं और उसके थ्रू रीडिंग और कम्प्रिहेंशन बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और इब्तदान जैसे कि मैंने अर्ज़ किया था कि इस सेमेस्टर में हमें ये 2 किताबें, एक इब्तदाई इल्म नहव के नाम से और एक इब्तदाई इल्म सर्फ,
इन दोनों के मौजूदात को हमने कवर करना है, और शुरू हम इल्म नाफ़ से करेंगे, उसके बाद सिर्फ पे जाएंगे। तो जो कंटेंट हमें पढ़ना है अभी मिड तक, उसको एक दफा हम जस्ट देख लेते हैं। ये जैसे फहरिस्त जो हमने पढ़नी है, ये आपके सामने है, यहाँ पे ये शो हो रही है ना स्क्रीन आप सबको, यस ये सर। सबसे पहले वो इल्म नहव कहते किसे हैं, इसका तारुफ है, इस पे बात होगी। उसके बाद आगे चल के कुछ इस्तिलाहात हैं, उन पे बात करेंगे। अच्छा, इल्म नहव जो है, इधर ही अगर हम डिस्कस कर लें इसको, तो चूंकि ये नाम आप सब लोगों ने सुन रखा होगा कभी ना कभी, नहव और सर्फ, तो आपके जहन में क्या है, इससे क्या मुराद होता है इल्म नहव जब कहते हैं? कोई आइडिया नहीं है किसी को भी? नहीं नो है। सर। अच्छा, चलिए देखिए, सिंपल है। जो कवायद हम पढ़ते हैं उसको अरेबी में अगर हम देखें तो दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक है जो रूल्स जिनका ताल्लुक होता है सिंटेक्स से, जो जुमले के स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसको हम इल्मुन नहव कहते हैं। इल्मुन नहव है जो भी जुमले से मुताल्लिक उसूल हैं उनका नाम इल्मुन नहव, ठीक है। इन इल्मुन नहव में हम जुमले को स्टडी करेंगे, हम ये देखेंगे कि जब मुख्तलिफ लफ्ज़ आपस में मिलते हैं तो वो डिफरेंट क्या मीनिंग्स देते हैं, उनसे क्या क्या फ्रेजेस बनते हैं, सेंटेंसेस क्या बन सकते हैं, अरेबिक में सेंटेंस की टाइप्स क्या हैं, डिफरेंट सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी सिंटेक्स से रिलेटेड मबाहिस हैं वो इल्म नहव, ठीक है जी। और जो दूसरा पोर्शन है इसकी, जो दूसरी ब्रांच है ग्रामर की, वो है इल्म सर्फ। सर्फ यानी हम सौद से लिखते हैं, सौद रा और था, जैसे सिर्फ लिखा जाता है ना उसी तरह लिखते, सिर्फ की तरह है लेकिन सौद पे जबर बोलते हैं सर्फ। सर्फ से मुराद है जो भी लफ्ज़ से मुतअल्लिक़ मबाहिस। तो इल्म नहव में जुमला पढ़ते हैं, इल्म सर्फ में लफ्ज़ को पढ़ते हैं। तो लफ्ज़ को उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो हम डिस्कस करेंगे वो इल्म सर्फ है। बस मैं अरबी में जो वर्ड पैटर्न क्या होता है, वो लफ्ज़ों की का कंस्ट्रक्ट कैसा होता है, वर्ड टाइप्स कितनी है, जैसे आप सब ने सुनी होगी उर्दू में भी के कलेमा तीन तरह का, इस्म है, फेल है, हर्फ है। तो फर्दर इनमें क्या डिविजन्स होती हैं, इस्म कितने टाइप्स का होता है, फेल कितनी तरह का होता है, उसको कैसे पहचानते हैं। तो जो भी इंडिविजुअली वर्ड से रिलेटेड जितने भी डिस्कशंस हैं वो इल्मु सर्फ है। और जब हम मुख्तलिफ लफ्ज़ों को आपस में ज्वाइन करते हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स का जो आप इस्तेमाल है जिससे फ्रेजेस भी बनेंगे या सेंटेंसेस बनेंगे वो इल्मु नहव कहलाएगा। तो लफ्ज़ को जब अकेला पढ़ रहे हैं वो सर्फ है, और जब लफ्ज़ों का मजमूआ हम पढ़ेंगे तो वो नहव। क्लियर है जी? सर्फ यस सर। की मॉर्फोलॉजी है, यस मॉर्फीम को स्टडी करते हैं, एक यस सिंगल वर्ड सर। यूनिट, और नहव जो है वो सिंटेक्स है जिसमें हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। हाँ एग्जैक्टली, ये मॉर्फ, ये लेकिन मैं लिख देता हूँ, मॉर्फोलॉजी है और ये सिंटेक्स, नहव सिंटेक्स है, सर्फ मॉर्फोल। ठीक जी, क्लियर? तो जी सर। अभी जो हम पहले मरहले पे जो चीज़ें हम पढ़ेंगे इस बुक में वो जुमले से रिलेटेड होंगी बेसिकली। अच्छा, आगे इसके बाद कुछ इस्तिलाहात हैं वो इस बुक में हम पढ़ेंगे। इस्तिलाहात किसे कहते हैं? टर्मिनोलॉजीज टर्मिनोलॉजीज, टर्मिनोलॉजी किसे कहते हैं, थोड़ा सा इससे भी एक्सप्लेन करते हैं। यानी के किसी फील्ड के स्पेसिफिक जार्गन्स जो होते हैं। हाँ बिल्कुल, यानी एक होता है ना कि कुछ लफ्ज़ हैं उनका एक नॉर्मल यूजेज होता है कि वो आम जबान में मीनिंग उनका होता है, लेकिन उन्हीं लफ्ज़ों का किसी खास फील्ड में कुछ डिफरेंट मीनिंग या स्पेसिफिक मीनिंग होता है, तो वही उसको हम टर्म्स या टर्मिनोलॉजी या उर्दू में इस्तिलाहात कहते हैं, ठीक है। तो इस्तिलाहात में हम वो स्पेसिफिक वर्ड्स पढ़ेंगे जो बार बार
इल्म-उन-नहव भी यूज किए जाते हैं और उनका मीनिंग भी देखेंगे कि अच्छा अगर इस इल्म में ये लफ्ज बोला जाए तो इसका मतलब क्या है, फुला लफ्ज बोला जाए तो इसका मतलब क्या है। हाँ टेक्निकल टर्म्स कह सकते हैं बिल्कुल। अच्छा उसके बाद आगे लफ्ज और उसकी अकसाम पढ़ेंगे, फिर कलेमा और उसकी अकसाम। इस से आपको समझ आ रहा होगा इस उनवान से कि लफ्ज और कलेमा इन दोनों की कोनोटेशन डिफरेंट है, क्योंकि पहले इन्होंने लफ्ज और उसकी अकसाम ये टॉपिक रखा, फिर एक नेक्स्ट हेडिंग है कलेमा और उसकी अकसाम। तो लफ्ज और कलेमा में क्या डिफरेंस है ये भी इंशाल्लाह देखते हैं। फिर उसके बाद मुरक्कब को पढ़ेंगे, मुरक्कब क्या होता है। मजमुआ हाँ मुरक्कब बिल्कुल मुख्तलिफ चीजों से जो बन के, तो आप कह लेंगे नई शक्ल जो बनती है मुख्तलिफ अज्जा से मिलके वो मुरक्कब है। तो मुरक्कब है जो मुख्तलिफ लफ्जों का मजमुआ होता है, जैसे अकेला लफ्ज है जिसे हम मुफरद कहते हैं और लफ्जों के मजमुए को हम मुरक्कब कहते हैं, और वो फ्रेज भी हो सकता है वो सेंटेंस भी हो सकता है। उसके बाद आगे जुमला है और उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। तो इसमें चूंकि इल्म नहव हम पढ़ रहे हैं ना, तो बेसिकली हमारा फोकस जुमले पे होगा या मुरक्कब पे होगा, सेंटेंस और उसके साथ फ्रेजेस। बाकी ये जो लफ्ज़ और कलिमा को डिस्कस किया इन्होंने, ये जस्ट एक तमहीद के तौर पे है कि आपको थोड़ा सा इंट्रो हो कि लफ्ज़ की अरबी में कितने टाइप्स का होता है। असल जो फोकस है वो आगे इसी पे। फिर तो उसके बाद इसम की मुख्तलिफ डिवीजन्स हैं अरबी में, जैसे मुजक्कर मुअन्नस होता है, वाहिद जमा है, तो कैसे पहचानते हैं। आगे जैसे उन डिवीजन्स का नाम दिया हुआ है मारिफा नकीरा, तो क्या फ़र्क है, कैसे पहचानते हैं अरबी में मुज़क्कर मुअन्नस, वाहिद तस्निया जमा। उसके बाद आगे एक और टॉपिक है इराबो बिना, ये स्पेसिफिकली अरेबिक ग्रामर का टॉपिक है जो आप लोगों ने उर्दू में पढ़ा होगा जबान में। तो और ये सबसे अहम, यानी अगर हम इल्म नहव में सिर्फ एक टॉपिक सिलेक्ट करना चाहें कि ये पूरा इल्म इसकी जो सबसे अहम बात है वो क्या है, या वो एक इसका मेजर टॉपिक क्या है जिस पर पूरा इल्म ये घूम रहा है, तो वो एक टॉपिक अगर हम कहना चाहें तो वो ये है जो नंबर 8 है ना, इराबो बिना। यही बेसिकली निचोड़ है पूरे इल्म नहव का, या अरेबिक में आप कह लें कि जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो पूरा इस सिस्टम पे खड़ा हुआ है, इराब के सिस्टम पे। तो इराब से क्या मुराद है वो भी इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे आगे, फिर इसी की डिटेल है। चलिए इस्तेलाहात से शुरू करते हैं। कुछ ये लफ्ज़ जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, मसलन एक लफ्ज़ है हरकत, ये एक इस्तेलाह है। तो हरकत किसे कहते हैं, सुनी होगी आप लोगों ने तजवीद जबरदस्ती वगैरह में, यहाँ बाकी जगह पढ़ा होगा। आवाज़ जो भी है, क्योंकि जबान अपनी असल में कुछ आवाज़ों का नाम है ना, तो आवाज़ें जो हैं वो दो तरह से आती हैं हमारी जबान में। कभी हम किसी आवाज़ को मुतहर्रिक बोलते हैं, यानी जब वो हम आवाज़ हम बोल रहे होते हैं उसी किसी खास जहत में हम मूव कर रहे होते हैं, और कभी वो आवाज़ साकिन होती है, यानी उसमें कोई हरकत नहीं होती, किसी खास डायमेंशन में उस आवाज़ को मूव। तो ये आवाज़ों को जैसे बोलने के दो अंदाज, ठीक है। तो हरकत के साथ, हरकत का मतलब है कि आप किसी हर्फ को या किसी आवाज को किसी खास डायमेंशन में मूव कर रहे हैं, जैसे बा है, तो अब बा में जो एक तो इसमें आवाज है ना, बा का जो साउंड है इसको मैंने ऊपर की जानब मूव किया, इसी तरह बी है तो यहाँ नीचे की मूवमेंट है, बू है तो यहाँ जैसे वो होंठों की मदद से गोल किया है, तो ये राउंड किया है एक तरह से आवाज को। और अगर हम बोले अब, तो अब में ये जो बा का साउंड है ये स्टैटिक है, इसमें मूवमेंट नहीं है, वो रुक गई आवाज आके, ठीक है। तो जो आवाज रुकी होती है उसको साकिन कहते हैं, और जिसमें हरकत होती है उसे मुतहर्रिक कहते हैं। और ये जो हरकत है ये 3 हो सकती हैं जिनको कलेक्टिवली हम हरकाते सलासा कहते हैं, सही है जी, जो उर्दू में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो हम सब में जब कायदा पढ़ते हैं बचपन में, वो पेश, जबर, जेर, ये 3 हरकात होती है। लेकिन अरबी में इनके लिए अलग नाम बोला जाता है, जैसे पेश जो है इसको अरबी में हम जम्मा कहते हैं, जबर जो है इसके लिए फतहा का नाम बोला जाता है, और जेर को कसरा बोलते हैं, ठीक है। यानी जो पेश का साउंड है बो सू जू टू, इसको अरबी में दम्मा कहते हैं,
और इसी तरह जो बासा जाता है, जो रबर वाला साउंड है इसको फतहा बोलते हैं, और जो जेर की हरकत होती है जैसे बी सी जी की, इसको हम कसरा बोलते हैं अरबी। तो अब ये वाली जो इस्तेलाहात है, ये लफ्ज आपको बार बार इस किताब में मिलेंगे कि फुला लफ्ज पे जम्मा है, फुला हर्फ पे फतह है, इस हर्फ पे कसरा है। आपको पता होना चाहिए कि दम्मा फतह कसरा कहते, ठीक है। मसलन किसी लफ्ज का तलफ्फुज बताना होता तो हम नॉर्मली यूं बताते हैं कि फर्ज करें कलम का हमें बताना है तो हम कहेंगे कि कलम में काफ पर फतहा है और लाम पर भी फतहा है, ठीक है। काफ पे भी जबर है वो बोलेंगे और लाम पे भी जबर, सही है ना। इसी तरह अगर फर्ज करें आपने बताना है कि मिसाल के तौर पे मुअल्लिम है, तो आप कहेंगे कि जी मीम पे जम्मा है, आईन पे फतहा है, लाम पे कसरा है और तशदीद है। तो इस तरीके से हम तलफ्फुज़ बताते हैं किसी का। तो आपको ये तीनों हर या तीनों लफ्ज पता हो कि मुराद क्या है। दम्मा पेश, फतहा जो है वो जबर है, और कसरा जेर। क्लियर है ये बात? तो ये तीनों साउंड भी यस सबको क्लियर है ना कि ये कौन कौन से साउंड। जी। चले अच्छी बात है। आगे एक और टर्म यूज हुई है, मजमूम मफतू और मकसूर। तो ये भी सिंपल है। एक तो है ना वो जम्मा, जम्मा कहते हैं पेश को, मदमूम कहते हैं उस हर्फ को जिस पे पेश हो, जिस हर्फ पे दम्मा है उस हर्फ को मदमूम बोलते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे अभी जैसे मैं मुअल्लिम कह रहा था, तो मैं यूं भी कह सकता हूँ कि मुअल्लिम में मीम पे दम्मा है, और मैं यूं भी बोल सकता हूँ कि मुअल्लिम का मीम मदमूम है। अगर मैं ये कहता हूँ कि मीम मजमूम है, तो इसका मतलब क्या होगा? मीम पर जम्मा है। जिस हर्फ पे जम्मा हो पेश हो उस हर्फ को मजमूम बोलते हैं, और जिस हर्फ पे फतहा होगा उसे मफतू बोलते हैं। मसलन हम कह सकते हैं कि जी कलम का काफ लाम दोनों मफतू है, यानी दोनों पर फतहा है, और जिस हर्फ पे कसरा होगा उसे कहेंगे मकसूर, ठीक है। जैसे मजलिस में लाम मकसूर है, यानी लाम पर कसरा है। क्लियर जी? दम्मा फतहा कसरा, ये तीन हरकात के नाम है। दम्मा पेश, फतहा जबर है, और कसरा जेर है। और जिस हर्फ पे दम्मा उसे हम कहते हैं मजमूम, जिस हर्फ पे फतहा उसे मफतू, जिस हर्फ पे कसरा उसे मकसूर कहते हैं। क्लियर? आगे चलें। यस जी सर, यस अच्छा, सर। आगे एक और इस्तेलाह है, ये भी अक्सर लोगों ने सुन रखी होगी, जब कायदा पढ़ते हैं नाजरा या तजवीद, उसमें भी आती है तनवीन। तनवीन किसे कहते हैं जी? दो फेस को हाँ, देर। जो दो जबर दो जेरे हैं या दो पेश हैं, इनको हम तनवीन कहते हैं। और इसमें साउंड क्या होता है तनवीन का? दन दिन दुन, दन दिन दुन, ठीक। नून की आवाज हो। हाँ, यानी तनवीन जहां पे भी आपको दिखेगी, एक तो ये कि किसी भी लफ्ज के एंड पे होती है, तो जहां पे भी तनवीन होगी यानी डबल हरकत, उसमें एंड पे साउंड नून का आएगा, नून साकिन का। जैसे किताब में फर्ज करें अगर एंड पे बा है और उस पे दो तम्मा है, दो पेश है, हम बोलेंगे किताबुन। दो जबर होंगे एंड पे किताबन, दो जेर हैं तो किताबिन। तो हम इनको कहते तो दो जबर दो जेर या दो पेश हैं, लेकिन प्रैक्टिकली दो जबर या दो जेर या दो पेश तो नहीं बोल रहे होते हम। एक जबर बोल रहे होते हैं दो, और उसके बाद नून बोल रहे होते हैं। इसी तरह अगर दो पेश हैं मिसाल के तौर पे कलम में एंड पे, तो हम बोलेंगे कलमुन। तो हमने मीम पे दो पेश नहीं बोले, मीम पे हमने एक ही पेश बोला है, लेकिन उसके बाद नून साकिन बोला। तो बेसिकली तनवीन नून साकिन, एक नून है जिस साकिन का मतलब ये नहीं जिस पे कोई जबर जेर पेश, जिस नून पे आप रुक जाते हैं, जाते हैं फलमुन फलमन फलमिन। तो लिखने में ये डबल हरकत होती है, लेकिन बोलने में सिंगल हरकत ही होगी, और उसके बाद एक नून की आवाज आएगी, ठीक है। तो ये जो बेसिकली अलामत है, ये दो दफा जो लिखते हैं हम पेश जबर या जेर, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि अगर दो पेश होंगे तो इसका मतलब है पेश के बाद नून बोलना है। दो जबर का मतलब है जबर के बाद बोलेंगे आप, जेर का मतलब है दो जेर का कि जेर के बाद एक नून आएगा। इस नून का मकसद क्या होता है या इसका मतलब क्या होता है, पता है किसी को?
नहीं जी, जी किसी को नहीं मालूम इसका मतलब? नो सर, नो सर। ये सर बहुत सारे मानों में इस्तेमाल होता है, मिसाल के तौर पर ये नखेरा के लिए भी इस्तेमाल होता सर ये नाउन बनाता है किसी भी वर्ड को। है। हाँ बस अभी इनिशियली आप यही जेन मतलब रखें स्टेज पे कि इसमें तनवीन जो है जस्ट ब्यूटिफिकेशन के लिए आता है, आवाज की ब्यूटी के लिए, और ये नून जायद है, ये जायद हर्फ होता है जो मानी में कोई इजाफा नहीं करता, ठीक है, जस्ट सिर्फ आवाज की खूबसूरती के लिए। लेकिन जब आप आगे चल के कवायद वगैरह जब ज्यादा तफसील से पढ़ चुकेंगे फिर आपको इसके कुछ बताया जाएगा कि कुछ इसकी सिग्निफिकेंस सम टाइम होती है, हमेशा नहीं, कभी कभार ये कुछ खास मानी ऐड करके लाया जाता है, लेकिन नॉर्मली इसका मानी से कोई ताल्लुक नहीं होता, सिर्फ की आवाज की बिक्री बढ़ाता है, ठीक है। हाँ एक चीज अच्छी है जो आपने अभी किसी ने बताई थी कि इसम की एक तरह की अलामत होती है, तो जो लफ्ज की आगे हम तीन टाइप्स पढ़ेंगे इसम फेल और हर्फ, तो इसम जो है उसकी एक अलामत है कि उस पर तनवीन यूज की जाती है, उसके एंड पे इजाफी नून बोला जाता है, ठीक है। लेकिन सरे दस्त ये मानी से ज्यादा इसका ताल्लुक लफ्ज से आवाज से। चले अगली इस्तेलाह सुकून, इसमें मैं बात कर चुका हूँ जब हम हरकत पढ़ रहे थे कि आवाज को हरकत के साथ भी बोल सकते हैं और आवाज को सुकून के साथ भी बोल सकते हैं। सुकून का मतलब है कि जब वो आवाज आप बोलते हैं तो वहां आपका सांस ठहर जाता है और उसको मजीद किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करते, जैसे अस, जैसे अब, आज, जो आखिरी आवाज में साथी हरकत है होती है किसी आवाज पे या सुकून, ठीक है। और सुकून को कई तरह से लिखते हैं, जैसे ये उर्दू में ज्यादातर ये वाला तरीका मुरव्वज है जो ये वाला लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं जैसे पेश होता है ना, पेश की तरह, और ये इस तरह भी लिखते हैं जैसे आर्ट होता है, लेकिन अरबी रस्म खत में ज्यादातर आपको ये गोल दायरा, ये सर पे गोल दायरा इस तरह का बना हो वो, उस पर कोई हरकत नहीं है, उसको सुकून के साथ बोलते हैं, जिस हर्फ पे सुकून हो उसको साकिन कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मस्जिद में हम कह सकते हैं कि सीन पे सुकून है, या हम ये भी कह सकते हैं कि सीन साकिन, ठीक है जी। तो ये जी भी जी क्लियर हो गया, हरकत, मुतहर्रिक, सुकून, साकिन, गम्मा, फतह, कसरा, मजमूम, मफतू, मकसूर, तनवीन, ये सब चीजें क्लियर हैं जितनी इस्तेलाहात। जिस हर्फ पे तनवीन यस हो उसको क्या बोलते हैं? वो ऐसे यहाँ नहीं लिखा लेकिन जो कि हम पढ़ रहे हैं तो वो भी नोट कर ले, तो मुनव्वन कहते हैं, जिस हर्फ पे तनवीन होगी ना तो मुनव्वन बोला जाता है, ये मैं चैट में लिखता हूँ मुनव्वन, ठीक है, वाओ की शर्त के साथ। मिसाल के तौर पे मुअल्लिम में लाम मुनव्वन है, लाम पे, अरे सॉरी लाम नहीं मतलब नीम जो है मुअल्लिमुन में नीम मुनव्वन है, पे तन्वीन। अगला इस्तेलाह तशदीद, ये मेरा ख्याल है सभी को मालूम है, उर्दू में भी बोलते हैं तशदीद, होता है कि क्या होता है? एक हर्फ को 2 बार पढ़ना। एक हर्फ को हम दो दफा बोलते हैं, आवाज दो दफा कैसे बोलते हैं? बार साकिन से और दूसरी बार फिर तजदीद से। हाँ, एक ही आवाज कौन होती है या से? एक ही हर्फ वो दो दफा आता है बोला जाता है, और दो दफा इस तरह बोलते हैं कि उसको एक बार साकिन और फिर किसी हरकत के साथ अदा करते हैं, जैसे मुअल्लिम में मुअल, यानी पहले हम लाम पे रोके हैं थोड़ी देर, ये लाम साकिन है मुअल्लिम, फिर उसी जगह से लाम को हरकत के साथ बोला है, तो एक ही दफा में दो हर्फ अदा किए जाते हैं जहाँ पे जिस हर्फ पे तशदीद आए, ठीक है। तो एक ही हर्फ को दो तरह से पढ़ना, उसको साकिन भी बोलना और मुतहर्रिक भी बोलना, जैसे मुअल्लिम में लाम को साकिन बोलते हुए साथ ही हरकत दे रहे हैं, तो जिस हर्फ
को इस तरह यानी बोला जा रहा हो, उसके लिए एक अलामत इस्तेमाल की जाती है, और इस अलामत को तशदीद कहते हैं, तशदीद भी, या इसको शद्दा भी कहते हैं। तो मतलब इसका वही होता है कि जोर दे के बोलना, क्योंकि जिस हर्फ को इस तरह से अदा करेंगे उस पर, जैसे आप रुकते हैं थोड़ी देर, फिर जोर दे के अदा करते हैं। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर मुअल्लिम में लाम दे, और जिस हर्फ पे तशदीद हो उसे क्या कहते हैं, जैसे लाम क्या कहलाएगा, मुशद्दद मुशद्दद। बिल्कुल, मुशद्दद। चलिए बेहतर है। यहाँ तक क्लियर है जी सब चीजें? दम्मा फतह कसरा क्या है, मजमूम मफतू मकसूर क्या है, तहमील और मुदवन सुकून साकिन हरकत मुतहर्रिक तशदीद मुशद्दद, इन सब लफ्जों की कॉनोटेशन मालूम होगी आपको। यस सर। यस, अच्छी बात है। यस सर। सर आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज कम आ रही है, ये इशू बाकी लोग भी बताएं जी, कम आ रही है कि ठीक आ रही मुझे भी कट कट के है? आ रहा है। सही सही आ रही है। सही आ रही है आ सर। रही है। अच्छा, एक चैट में क्वेश्चन आया कि मुनव्वन के बारे में बता दें। मुनव्वन उस हर्फ को कहते हैं जिस पे तनवीन हो, जैसे लेट्स से ये देखिए, सिनातुन, जैसे बिल्कुल ला था उजू सिनातुन है जैसे, तो सिनातुन में जो ता है इस पे तन्वीन है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस लफ्ज़ में ता मुनव्वन है। इसी तरह किताबुन, तो किताबुन में बा पे तन्वीन है, तो हम ये बोल सकते हैं कि बा मुनव्वन है। ठीक है, तो चले, अच्छी बात है। फिर चैट में किसी का मैसेज आया, लो साउंड भाई, हमारी तरफ से आवाज़ क्लियर है, आप अपनी डिवाइस का वॉल्यूम चेक करें, समटाइम्स वॉल्यूम कम होता है। अच्छा, चलें आगे चलते हैं। उसके बाद ये देखिएगा, अगला जो है हेडिंग वो है लफ्स की, लफ्स और कलेमा। यहाँ जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया था, जब हम फहरिस्त देख रहे थे वहां पे भी, कि ये दो अलग टर्म्स यूज की गई हैं, पहले उन्होंने लफ्ज़ बोला है और फिर कलेमा बोला है, इसका मतलब इन दोनों में फर्क होता है। और फर्क इनमें सिंपल है, लफ्ज़ बेसिकली जो है वो लूज वर्ड है, लफ्ज़ कोई भी आवाज है जो हम निकालते हैं, वो आवाज चाहे मीनिंगफुल हो चाहे मीनिंगलेस हो, उसका कोई मकसद हो ना हो, उसे यानी किसी भी आवाज को हम लफ्ज कहेंगे। ठीक है, लेकिन कलिमा जो है वो स्पेसिफिकली जो मीनिंगफुल वर्ड होता है, जो किसी मकसद से बोला जाता है, बामानी जो लफ्ज होता है उसे हम कलिमा कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो लफ्ज है, लफ्ज की दो टाइप्स की जा सकती हैं। एक लफ्ज होता है बेमानी, जैसे मुहमल कहते हैं, बेकार लफ्ज, और दूसरा लफ्ज होता है जो जिसे कलिमा कहते हैं, या मौजू कहते हैं, जो आबानी होता है, तो मकसद। तो अब जाहिर बात है, हम जब जबान पढ़ते हैं तो उसमें कलेमा ही को पढ़ेंगे, बामानी लफ्ज है ना। कलेमा जो है इसकी डिवीजन सिंपल है उर्दू वाली, जैसे उर्दू में हम पढ़ते हैं कि कलेमा तीन तरह का है, इस्म फेल हर्फ, अरबी में भी कलेमा तीन ही तरह का है, इस्म फेल और हर्फ। इनको अगर कोई एक्सप्लेन कर दे, इस्म किसे कहते हैं, किसी नाउन को, शख्स चीज के नाम को, किसी ठीक है, और फेल किसे कहते हैं, काम वर्ब, करना काम होना। करना, और हर्फ किसे कहते हैं। सर दो लफ्जों को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो यूज होता है। हाँ ठीक है। अच्छा, वैसे आप सभी ने मतलब ठीक बताई है माशाल्लाह, लेकिन इसको मतलब मजीद थोड़ा रिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि वैसे लूजली ये बातें ठीक हैं, हम भी ज़्यादातर यही पढ़ते आए हैं, लेकिन अगर हम टेक्निकली देखें तो ये डेफिनेशन जैसे इनमें कमी है, और टेक्निकल लाइंस पे किसी का माइक बार बार म्यूट हो रहा है।
अच्छा, टेक्निकली अगर हम इनमें डिफरेंस ड्रॉ करें तो बेसिकली जो हर्फ है वो डिफरेंट है इस्म और फेल दोनों से। आपने माइक प्लीज म्यूट रखिए, मुझे बार बार म्यूट करना पड़ता तो मेरी तवज्जो उधर चली जाती है। मेरा ख्याल है 5-6 लोगों के माइक कर चुका हूँ, इसको प्लीज खुद ध्यान दीजिएगा इस पे। अच्छा कुछ ज्यादा शोर आ रहा जी, है। ये जो जिन लोगों ने ये खोला है माइक, बहुत ज्यादा शोर आ रही है। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा भाई, तो इसमें एक तो ये ध्यान में रखिएगा कि हर्फ जो है वो डिफरेंट है इस्म और फेल दोनों से। इस एतबार से इनमें जो मेजर डिफरेंस है वो ये कि हर्फ अपना मीनिंग इंडिविजुअली एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो ऑन इट्स ओन अपना मतलब नहीं बताएगा कभी, ठीक है, अकेला कभी यूज नहीं हो सकता। हर्फ अपना मतलब बताता है जब वो किसी फ्रेज में आता है, जब वो किसी सेंटेंस में आता है, तब उसका मतलब क्लियर होता है। मिसाल के तौर पे जैसे हम से बोलते हैं, को है, ने है, पर है, ये वाले जो अल्फाज हैं ये आप अकेले कभी नहीं यूज बोलते, अकेले इनके कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इनके कोई पर्पज नहीं है। हाँ, लेकिन ये किसी फ्रेज में आएंगे तब ये मीनिंग होता है, ठीक है। तो ये हम जुमलों में लाते हैं या ये मुरक्कबात में लाते हैं, किसी फ्रेज में या सेंटेंस, ठीक हो गया। तो हर्फ अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग या इंडिपेंडेंटली अपना मीनिंग नहीं बता सकते, ठीक है, और इस्म और फेल जो है वो इंडिपेंडेंटली अपना मीनिंग बता सकते हैं, यानी वो अकेले भी यूज हो सकते हैं, उन्हें जरूरी नहीं है कि आप किसी फ्रेज का या सेंटेंस का पार्ट बनाएं तो तभी उनका मतलब क्लियर हो। मिसाल के तौर पे जैसे हम कहते हैं कलम, कलम मीनिंगफुल वर्ड है और ये लफ्ज सुनते ही हमें पता चल रहा है कि अच्छा किस चीज की बात की जा रही है, तो इसम जो है अपना मतलब खुद बता रहा है। ऐसी फेल है मसलन गया, बैठा, आया, सुना, अब ये भी लफ्ज अपना मानी खुद बता रहा है, इसको तो जरूरी नहीं है कि हम किसी जुमले में इस्तेमाल करें, ठीक है। तो इनमें जो बेसिक फर्क है हर्फ में और इस्म और फेल में वो ये है कि हर्फ ऑन इट्स ओन अपना मतलब नहीं बता सकता, इस्म और फेल बता सकता। क्लियर है जी ये बात? यस अच्छा, यस सर ये तो हो गया फर्क हर्फ में और इस्म और फेल। हर्फ इंडिपेंडेंटली अपना मीनिंग नहीं एक्सप्रेस कर सकता, इस्म और फेल इंडिपेंडेंटली भी अपना मीनिंग बता सकते हैं। अब इस्म और फेल को आपस में अगर हम देखें तो इन दोनों में जो फर्क है, कॉमन चीज तो ये है कि दोनों अपना मतलब बता सकते हैं, अकेले भी, चाहे वो किसी जुमले का पार्ट ना बने। डिफरेंस दोनों में ये है कि फेल में हमेशा कोई टाइम होता है, इसमें टेंस होता है, इस्म में टाइम नहीं होता। इस्म जो अपना मीनिंग बताता है वो किसी खास टाइम फ्रेम में नहीं बताएगा, वो किसी भी टेंस में रहते हुए नहीं बताएगा, बल्कि इस्म का मीनिंग टाइमलेस होता है। जैसे कलम, किताब, इसमें किसी टाइम की डायमेंशन नहीं, ठीक है। लेकिन फेल जब हम बोलते हैं गया, तो गया में इंक्लूडेड है कि वो पास्ट में गया, माजी में। इसी तरह जब हम कहते हैं जाता है, तो जाता है कि लफ्ज में जमाना भी शामिल है कि वो अभी जाता है, यानी हाल का जमाना इसमें शामिल है। इसी तरह जब हम कहते हैं जाएगा, तो जाएगा में मुस्तकबिल इंक्लूडेड है, ठीक है। तो जो बेसिक डिफरेंस है इस्म और फेल में वो टाइम का है। फेल वो लफ्ज है जिसमें टाइम होता है, और इस्म वो है जो टाइमलेस है, जिसमें मीनिंग तो अपना वो खुद बता रहा है कोई ना कोई, लेकिन किसी खास टाइम फ्रेम में नहीं बता रहा। क्लियर है जी ये बात? यस सर। अच्छा, अब इस डेफिनेशन की बुनियाद पे ये बताइएगा कि जो इन्फिनिटिव होता है या जो जेरेंड है वो इस्म होता है या फेल होता है, जिसे हम मस्तर कहते हैं सर उर्दू। वो नाउन होता है। यानी जैसे ये वाले जो लफ्ज हैं, खाना, पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, लिखना, दोनों हो पढ़ना, ये सकते फेल है या हैं इसम? जी सर, दोनों हो सर, सकते दोनों हैं। कैसे हो फेल सकते है हैं? आना जाना, फेल है सर फेल, क्योंकि आप कह रही हैं इसमें फेल है, ठीक काम है। है जी। किसी ने कहा था दोनों हो सकते हैं? सॉरी चेक, मैं समझा इंग्लिश में असल में जेरंड में दोनों हो सकते हैं।
वो तो इस सेंस में ना कि जेरेंट पास पार्टिसिपल भी हो सकता है या प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो वो तो उसके यूजेज पे है ना, लेकिन जब हम उसको जेरेंट कहते हैं नॉर्मली तो वो एज अ नाउन ही ट्रीट किया जाता है। खैर इसी डेफिनेशन पे जो अभी हमने बात की थी उस पे फोकस करते हुए देखें तो ये लव स्टेशन होने चाहिए या फेल होने चाहिए। इसम सर नाउन नहीं, इसम होने इसम बन जाते हैं वो मसदर, जिसको कहते मसदर बन अच्छा जाता है सर। क्यों ये ये है इसम क्यों इसम में है? नाम होगा, नहीं इसम वो में तो नाम होगा। वो तो ठीक है इकरा, आप जो बात कर रही है वो वही है जो आप लोगों ने पहले आप डिफाइन जैसे किया था कि इसमें जो नाम है फेल है जो काम, लेकिन उसके बाद जो जैसे मैंने बताया कि ये बात टेक्निकली लूज है, ये बात इतनी सर ठीक वो नहीं है जमाने की बात डेफिनेशन। आ जाएगी, आपने बोला जैसे किया हाँ टाइम बाउंड नहीं है। इसको टाइम को देखते हुए अगर हम इस डेफिनेशन को सामने रखें तो ये लफ्ज इसमें या फेल है। जी ये फेल है सर, क्योंकि इसमें वो आ जाएगा टाइम का आ जाएगा, ये फ्यूचर पास्ट या है प्रेजेंट सर की बात की जा रही है, गया आया या करेगा, ना नो ना फेल है सर, मैं जिस इसमें लफ्ज का होगा। पूछ रहा हूँ वो गया आया नहीं है, मैं इन लफ्जों का पूछ रहा हूँ जैसे आना जाना उठना बैठना, खुद ये लफ्ज इस्म होगा या फिर। सर इस समय नहीं है ना, हाँ ये वैसे अल्फाज तो जो अरेबिक में जो नाउन होता है उसको हम प्रोवर्ब्स भी कहते हैं, प्रोनाउंस भी कहते हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, ये सारे नाउन में ही आते हैं अरेबिक में। डॉक्टर जो है उसने कोई माना नहीं पाया जाता, इसलिए पुष्ट हो गया। हाँ ठीक है ये वाले जो अल्फाज हैं क्योंकि इन इनमें जमाना नहीं इंक्लूडेड कोई भी, जब मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जल्दी सोना अच्छी बात है कि सोना जो है वो किसी भी जमाने से रिलेटेड हो सकता है, खुद इस लफ्ज में माजी हाल या मुस्तकबिल कोई भी जमाना नहीं है, खाना उठ पीना उठना बैठना ये टाइमलेस है। हाँ खाया खाता है खाएगा उसमें टाइम इंक्लूडेड है वो फेल होगा, लेकिन खुद ये जो लफ्ज है खाना ये जो मस्तर हैं जितने भी इनको उर्दू में ऐसे लफ्जों को मस्तर कहते हैं कि जिसमें मीनिंग होता है फेल का लेकिन जमाना नहीं होता, तो ये अल्फाज इस्म होते हैं ये फेल नहीं है। ठीक है तो वो वाली जो डेफिनेशन है ना काम और नाम वाली उससे सबसे बड़ा यही कन्फ्यूजन उससे पैदा होती है कि वो काम का मतलब देखते ही सबका जहन इस तरफ जाता है कि अच्छा ये लफ्ज फेल हो, हालांकि ये लफ्ज फेल नहीं है ये इस। ठीक है तो बस ये जहन में रखिएगा कि आपने इस पे नहीं जाना कि उसका मतलब ओके क्या है, सर, आपने बेसिकली उसको देखना है कि उसमें टाइम है या नहीं। ठीक है अगर टाइम की डायमेंशन होगी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की तो वो फेल है, अगर टाइम नहीं है तो वो इस। क्लियर है जी? यस सर, यस सर। चले अच्छी बात है।